संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि प्रभु कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शिवजी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का व्रत और पूजन कर रही हो। यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती और कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया बनी और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, किंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी और अब उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव के 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनित फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ, वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गुंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश हो सकता है। प्रारब्ध में लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी के पुत्रों को हत्या करने के उद्देश्य से लड्डू में जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु ना हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है
जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है, इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो तुमको 3 जन्म का हाल बतलाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो बड़ा भारी संकट है, उसका एकमात्र कारण यही है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो कहती हूँ आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि की बात सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने भी नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख की प्राप्ति हुई और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अत्यंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो कि तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम विधि आदि विस्तार से समझाइए। संतान सप्तमी व्रत विधि विधान और नियम। यह सुनकर ऋषि बोले कि देवकी, यह पुनीत उपवास दो के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए, फिर भगवान शंकर माँ जगदम्बा पार्वती की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाए और उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके इसको पहन ले और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करे। इसके बाद 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे और फिर यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर या कड़ा बनवाकर उसको तांबे के पात्र में रख कर उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान देवे। इसके बाद 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। हर साल मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान पूर्वक वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही सब सुख और ऐश्वर्य को पाकर शिवलोक को जाता है। तो सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।